जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हाज़िरी थी जनाब सुल्तान अहमद सिटी में, फातेह सिटी का नाम है, तुर्की में इस्तांबुल शहर का एक छोटा शहर है, वो कस्बा जिसको कह सकते हैं, ये यहाँ सिटी उसको बोलते हैं। तो सुल्तान फातेह मॉस जो थी, जिसको ब्लू मॉस भी कहते हैं, और उसी कंपाउंड में आया सोफिया मस्जिद भी है। इसके मज़ीद व्लॉग्स वगैरह भी मैं शेयर करूँगा, लेकिन ये व्लॉग एक यूनिक है, स्पेसिफिक है। इसमें सिर्फ मैंने अजान रिकॉर्ड की और ना इससे पहले कुछ ना इसके बाद। अब क्या हुआ कि जोहर की नमाज के वक्त, चूँकि मैं वहाँ मौजूद था, तो अजान का वक्त हुआ। अब आया सोफिया मस्जिद और ब्लू मस्जिद, दोनों में तकरीबन पाँच मिनट का फासला है। वॉक जो है एक ही कंपाउंड में, इनका जो अहाता है ना बैरूनी, वो एक ही है, लेकिन चूँकि वॉक एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद तक वॉक करने में 5 से 7 मिनट लग जाते हैं, तो ये चूँकि दोनों मस्जिदें एक ही जगह पे मौजूद हैं, तो जब अजान का वक्त हुआ, तो अब आप सोचें अगर अजान एक ही वक्त में दोनों मस्जिदों में इकट्ठी हो जाए, तो एक होगा ना कि एक शोर की कैफियत होगी। और ये जगह वो हैं जहाँ मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम सारे आते हैं, तो मैंने वो अजान रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी शुरू से ही। और एक बड़ा ज़बरदस्त इंकिशाफ ये हुआ कि पहले अजान शुरू हुई आया सोफिया मस्जिद में, जब मौज़िन अल्लाहु अकबर कह रहा, उसके बाद खामोश हो गया, और फिर ब्लू मॉस जो है सुल्तान अहमद मॉस, फिर वहाँ से मौज़िन ने अजान का पहला जुमला बोला। और इसी तरह अब क्या हुआ कि एक जुमला यहाँ से, एक जुमला वहाँ से, एक जुमला यहाँ से, एक जुमला वहाँ से, इस दौरान जो है ना वो क्लैश नहीं हुआ, टकराव नहीं हुआ अजान का। अगर दोनों अजानें एक ही वक्त में शुरू हो जाती तो एक शोर की कैफियत होती, क्योंकि ज़्यादा फासला नहीं है दोनों मस्जिदों में, और स्पीकर पे जब आएगा तो वो पता चलेगा जैसे पीछे कोई नॉइज़ है, कोई शोर है, और इस तरह करके जो है ना वो नॉन मुस्लिम जो हैं वो इस अजान से मुतनफ़र हो सकते हैं या कुछ भी। लेकिन वो ऐसा ज़बरदस्त एक एक्सपीरियंस हुआ, और इतना अच्छा, इतना रूहानी, रूह परवर मंज़र बना के बता नहीं सकता हूँ। मैंने कहा यार ये तो जो है ना अलग से व्लॉग बनाना चाहिए, तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी टॉक कर रहा हूँ यहाँ, सिर्फ एक इसकी तारुफी गुफ्तगू के बाद मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ, और आप अजान से जो है ना वो लुत्फ़अंदोज़ हो। ज़रा अजान चलाता हूँ इसमें, आप सुनेंगे थोड़ी सी आवाज़ का उसमें आएगा, चूँकि साफ ज़रा कि मैं वहाँ कंपाउंड में मौजूद था जहाँ और भी लोग हैं, शोर भी मौजूद हैं, और इस वजह से ज़्यादा वो क्या है कि वॉइस का वो मैं कर नहीं सका हूँ। और चूँकि पहले से मैं एक जो है ना वो एक रिकॉर्डिंग कर रहा था वहाँ, ऐसा नहीं है कि अजान का इंतज़ार करके, अगर तो मैं ऐसा होता तो फिर अपने साउंड और सारा कुछ जो है ना वो क्लियर करता, लेकिन चूँकि ये अचानक हुआ, ऑलरेडी कंपाउंड में मौजूद था और मैं जो है ना वो वीडियो बना रहा था सीनरी की, और अचानक से अजान शुरू हो गई, तो उसको वहीं से मैंने जो है ना वो टेप कर लिया, तो इसलिए आवाज़ का थोड़ा ऊपर नीचे होगा, आप उसमें जो है ना वो माफ़ कीजिएगा। और मैंने इसको ओरिजिनल रखा, ना इसकी कोई एडिटिंग की, ना ही कुछ जो है ना उसमें ऐड किया या उसमें से कुछ निकाला। एक जगह पे स्पीकर थोड़ा सा उनका, एक मस्जिद का जो है ना स्पीकर थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हुआ, और वो भी थोड़ी सी आवाज़ जो है ना वो मिस हो गई वहाँ से, उसको भी मैंने एज इट इज़ जाने दिया, क्योंकि अजान को मैं नेचुरल रखना चाह रहा था। तो आप भी इन्जॉय करें और इससे लुत्फ़अंदोज़ हों, बरकतें हासिल करें, सवाब की नीयत से अजान सुनेंगे तो अल्लाह का जिक्र भी है इसमें, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी है, नेकी की दावत भी है, तो आपको सवाब भी मिलेगा। तो चलते हैं अजान की तरफ जी। ये दोनों मस्जिदों में एक ही वक्त में अजान हो रही है, लेकिन एक ही वक्त में दोनों मस्जिदों के इमाम जो मौज़िन हैं एक ही कलिमा वो नहीं बोल रहे। Actually, that's cool. Yeah, right.
Yeah.